दीपावली त्योहार के अवसर पर महानगर में 583 और जनपद में करीब 2800 लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिनका विसर्जन गुरुवार को किया गया। आपको बता दें कि बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ने से नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब पूरी तरह से पानी से भर गया था, लेकिन पानी कम हो जाने के बाद भी वहाँ पर दलदल जैसी स्थिति बनी है, जिसको देखते हुए बाघागाड़ा 4 लेन पर श्रद्धालुओं ने गाना बजाने के साथ माँ लक्ष्मी और गणेश जी की सभी मूर्तियों का विसर्जन किया। जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि महानगर में 583 एवं जनपद में 2800 लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की गई थी। कुछ मूर्तियां बुधवार को ही विसर्जित हो गई थी। गुरुवार को RAF, PSC, गोरखपुर पुलिस एवं गोताखोर की टीम लगाई गई है, ताकि बिना किसी घटना और समस्या के लोग मूर्ति विसर्जन कर सकें। उन्होंने कहा कि जो लोग छठ पूजा के लिए सामान खरीदारी करने के लिए बाजार में निकलते हैं, उन्हें ट्रैफिक से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO कैंपियरगंज योगेश्वर सिंह एवं SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, लक्ष्मी मैया की अपने इधर आइए, मोबाइल इधर आइए, बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। एकदम सीधा जा रही है, ये देखो उल्टी दिशा जा रही है, उल्टी दिशा जा रही है, फिर अपने घर की तरफ जा रही है। जा लक्ष्मी मैया देखिए, चूंकि इस समय बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो एक फोर्स इसलिए पूरा डिप्लॉय किया गया है कि जो साइड में पानी गया हुआ है, जो तालाब कृत्रिम तरीके से बन गए हैं, वहीं पे विसर्जन पूरा कराया जाए। आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पे नाव भी लगाई गई है, तैराक भी लगाए गए हैं, जिससे कि जो भी मूर्ति उस साइड में जा रही है उसको किनारे करके वो निकाल ले रहे हैं बाहर, और पूरा फोर्स लगाया गया है जिससे कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटित हो। शहर क्षेत्र से 583 मूर्तियां एवं पूरे जनपद में करीबन 2800 मूर्तियां विसर्जित होनी है। उनमें से 60% के करीबन मूर्तियां कल विसर्जित हो गई थी, एवं आज भी RAF, PAC एवं जनपद पुलिस की टीमें एवं गोताखोरों की टीमें भी लगी हैं, ताकि बिना किसी घटना या समस्या के लोगों का मूर्ति विसर्जन हो सके एवं
जो छठ पूजा के लिए भी जो लोग बाहर निकले हैं उनको भी किसी प्रकार ट्रैफिक का सामना न करना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक की टीमें भी लगाई गई है। थैंक यू।